एक माँ 9 महीने तक अपने बच्चे को अपनी कोख में रखती है और फिर उसे पहली बार गोद में लेते ही अपना सारा दर्द भूल जाती है और खुशी से खिलखिला उठती है। लेकिन क्या हो अगर एक माँ को पता चले कि उसकी बच्ची मरी हुई पैदा हुई है? जाहिर सी बात है, उस माँ का बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मामला है। आइए आपको बताते हैं कि मामला है क्या। दरअसल दिल्ली के LNGP हॉस्पिटल में एक तुरंत पैदा हुई बच्ची को डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया जाता है, जिसके बाद परिवार बच्ची के मृत शरीर को घर लेकर चला जाता है, दफनाने की तैयारी करने लगता है। तभी अचानक पता चलता है कि बच्ची तो जिंदा है। जो परिवार आंखों में आंसू लिए मैयत की तैयारी कर रहा था, उनका चेहरा खुशी से खिल उठता है। वहीं इसी के साथ सामने आती है अस्पताल की लापरवाही। कल शाम को 6 बजे के आसपास बेटी पैदा हुई, तो ये पहले ही कह रहा था, ये मतलब ये बच्चा कमज़ोर है, मर जाएगा। तो जब ये बच्चा पैदा हुआ, मेरी वाइफ कह रही, मैंने अपनी बेटी को देखा था, क्योंकि नॉर्मल हुई थी, सही थी, तो कह रहे मेरी वाइफ कह रही मेरा बच्चा जिंदा है। तो मगर ये कह रहे थे ये बच्चा मरा हुआ है। तो उन्होंने एक डब्बा मंगा के डब्बे में रख के सील पैक करके उसको मृत घोषित करके हमें हमारे हवाले कर दिया। तकरीबन 6:30 बजे के आसपास हमें दे दिया था। कल शाम की बात है। तो फिर मैंने अपने घर पर खबर कर दी, सारा उसका इंतजाम हो गया, कफन भी आ गया, सब चीज़ का इंतजाम हो गया था। तो इन्होंने क्या नाम है, जब हम घर पे लेके गए तो फिर मेरे भाई ने डब्बा खोला तो उसके अंदर बच्ची हाथ हिला रही थी। फिर मैंने भी देखा हाथ हिला रही थी, उसका हल्का सर भी हिला, पैर भी हिला। तो फिर क्या नाम है, हमने एक करीब डॉक्टर बुला के कन्फर्म करने के लिए बुलाया, उसे दिखाया, वो कह रहे बच्ची जिंदा है, आप तुरंत लेके जाओ। हम तुरंत यहीं पर आए वापसी। तो हमने जो ना इनको दिखाया, ये ले नहीं रहे, मजाक उड़ा रहे, कहने लगे ये कैसा मजाक है, मरा हुआ इंसान जिंदा हो सकता है? तालियां पीट रहे, हाथ मारे काउंटर पे और ले नहीं रहे सब। या इमरजेंसी के अंदर गायनी में इमरजेंसी में। तो हमने काफ़ी चीखे चिल्लाए, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा, और सिक्योरिटी का इकट्ठा कर लिया हमें प्रेशर देने के लिए, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम पे इल्ज़ाम लगा रहे। तो क्या नाम है, फिर हम अपनी बच्ची के लिए खुद ही भागे, हमें रास्ता भी नहीं पता कभी हम उल्टे भाग रहे कभी सीधे भाग रहे अंदर से। जी हाँ जी। फिर तकरीबन हम ही खुद ले गए भागते हुए, हमें अंदर का रास्ता नहीं पता। जैसे तैसे हम गए भागते भूगते, तो हम वहाँ पर पहुँचे नर्सरी के अंदर। हाँ। वहाँ पर बड़ी मुश्किलों में रखा। अच्छा। तो क्या नाम है, अभी भी जब इन्होंने मृत घोषित कर दिया, बच्चा जिंदा कैसा, अभी इन्होंने कैसे ले लिया वापस जिंदा है, अभी जिंदा है वो, अब उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। मगर उसको उन्होंने खुद बोला भर्ती करने के बाद में कि इसको करंट में क्या नाम है, इसकी वेंटिलेटर की ज़रूरत है। मगर कल से अब तक कितने घंटों के आप देख लो, अभी तक वेंटिलेटर का अरेंजमेंट नहीं है। पीड़ित परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद LNGP यानी लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के MD सुरेश कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक टीम गठित की गई है जो इस मामले की जांच कर रही है। एक प्री टर्म डिलीवरी हुआ था, जिसमें कि 23 वीक्स का डिलीवरी था, मदर को एबोर्टेड फीटस हमारे यहाँ पे लेके आए थे, और उसके बाद इनिशियली उसको इवेलुएट किया तो उसमें मूवमेंट्स नहीं थे, पर हमें बाद में बताया जो ट्रीटिंग टीम है गायनेकोलॉजिस्ट का, कि उसमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला, उसको इमीडिएटली हमने नियोनेटल ICU में रखा, और अभी वो वेंटिलेटरी सपोर्ट पर है। आमतौर पर यह होता है कि जब भी आधा किलो यानी कि 500 ग्राम से कम के बेबी होते हैं और अबोर्टस फिटस होता है, तो उसमें चांसेस काफ़ी कम होते हैं सर्वाइवल के। बट इन दिस केस डॉक्टर्स दे डिड ग्रेट एफर्ट्स टू सेव द न्यूबॉर्न, एंड नाउ ए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट नियोनेटोलॉजिस्ट गायनी पीपल एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट दे आर managing this baby, and we have ordered a detailed inquiry into this incident, जिसमें कि HOD गायनी की हैं और डॉक्टर अजय कुमार हैं जो neonatologist के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं और डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है, वो 24 घंटे में हमें इसका डिटेल रिपोर्ट हमें देंगे। सर आरोप इस तरीके के लग रहे हैं कि बच्ची को डब्बे में रख के भेज दिया था? नहीं, ऐसा कोई लापरवाही नहीं है, और उसका डिटेल जो है
सारी जो कमेटी है वो इस सारे एस्पेक्ट्स पे डिटेल जो रिपोर्ट हमें 24 घंटे में देगी। सारा हम पता कर रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.